जुगनू मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन लोगों से मुलाकात की जाए, बात की जाए जो इस तारीख के साथ वाबस्ता हैं, जो इस तारीख के गवाह भी हैं और जिनको ये सारी जिद्दोजहद आज़ादी जो 73 साल पहले जिसने हमें ये मुल्क दिलवाया उसकी गवाही दे सकते हैं, उसका पस मंज़र बयान कर सकते हैं और बाद में जो कुछ भी हुआ देर ऑल्सो विटनेसेस टू दैट। सो लेट मी वेलकम माई गेस्ट्स बेगम सुरैया नसीरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। एंड शाहिद जलाल साहब जो पाकिस्तान के एक नामवर आर्टिस्ट हैं, मुसव्वर हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो अ विटनेस टू हिस्ट्री। ये ख़ानदान जिसके साथ मेरी अपनी भी पर्सनल वाबस्तगी है पाकिस्तान के सबसे मुमताज़ ख़ानदानों में से हैं, क्योंकि इनकी खिदमात इस मुल्क के लिए और तकसीम से पहले हिंदुस्तान के लिए सबको मालूम है, मशहूर है। इस ख़ानदान के चश्मो चिराग सादत हसन मंटो साहब थे, उनको कौन नहीं जानता। इस ख़ानदान के एक और चश्मो चिराग हामिद जलाल साहब थे मरहूम, जो कि शाहिद के वालिद थे। और फिर मेरी प्यारी दोस्त डॉक्टर आयशा जलाल, हु इज़ अ पाथ ब्रेकिंग हिस्टोरियन एंड हैज़ वर्कड एट द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। शी एंड आई वर एट कैम्ब्रिज टुगेदर। दिस इज़ व्हेन आयशा वाज डूइंग हर डॉक्टरेट एंड आई वाज अ मेयर अंडर ग्रेजुएट। शाहिद, आई वुड लाइक टू वेलकम यू to this show Jugnu Ka Desh, and I'd like to start with your memories, Begum Sahiba. आप जब तकसीम हुई आज से 73 साल पहले तो आप लोग नाभा में थे, आपके वालिद साहब, आपके ताया अबू महाराजा नाभा के साथ काम किया करते थे, उनके हाई ऑफिशल्स थे, और आप लोग नाभा से दिल्ली आए और आपका इरादा ये था कि आप दिल्ली से जहाज़ चार्टर करके सारे ख़ानदान को लेके लाहौर आ जाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? जब दिल्ली पहुँचे तो हमने चाहा कि जहाज़ लेके पाकिस्तान चला जाए, तो बहुत सी मुश्किलें पड़ी हमें, आखिर में जाना पड़ा एक जगह पे जो कि जहाँ के रेफ्यूजीज़ को रखा गया था। तो उसके बाद मैं ज़रा इतनी समझदार नहीं थी, उम्र कम थी, तो मुझे पता नहीं कि क्या क्या मुश्किलात पैदा हुई। और मेरे बड़े अब्बा चीफ सेक्रेटरी थे नाभा स्टेट में, और हम लोगों को गाड़ियाँ दी गई थी कि तुम लोग दिल्ली चले जाओ और वहाँ से प्लेन लेके या कोई सवारी लेके तो पाकिस्तान चले जाना, और भी बना ही था समझो। तो बड़ी मुश्किलात पैदा हुई हमें, वहाँ जाना पड़ा, वो जो होता है दिल्ली का लाल किला, जी हाँ, वहाँ जाना पड़ा रहे, वहाँ कैंप्स लगे हुए थे, तो उसके अंदर चार चार पांच पांच छः छः ख़ानदान बैठे हुए थे, सब लोग बेचारे बस पांच कपड़े उठा के ले आए थे कि नहा के कपड़े तो बदल सके। वो एक तरह से था रेफ्यूजी कैंप। आपके लिए तो बहुत शौक हुआ होगा, यानी कुजा चीफ सेक्रेटरी नाभा स्टेट, कुजा एक किले में नहा नहीं सकते थे, कपड़े नहीं बदल सकते थे, हालांकि हमने तीन तीन जोड़े साथ लिए हुए थे, मगर कहाँ ना आते, कैंप्स में तो थे सात सात फैमिलियाँ एक कैंप में, वो जो होता है ये वो जो तरपाल का कैंप होता है, सात सात फैमिलियाँ एक कैंप, एक कैंप, और सारे बेचारे अच्छे घरानों के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए। बाद में तो हमारी दोस्ती होगी, क्योंकि उस कैंप में बहुत दिन रहे हम लोग, और खाने को नहीं, पीने को नहीं, हमारे दो नौकर आके सामने गाड़ियों के लेट गए थे कि हमें भी साथ ले चलो, तो उनको भी साथ ले लिया था, दे वर ग्रेट हेल्प। पानी लेके आओ, पानी नहीं था, पुराना किला पूरा ऐसे हो गया ना जैसे रेफ्यूजी कैंप होता है। सही, आप लोगों को मैं पूछना चाहूँगी, नाभा से हिजरत करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई?
कुछ गड़बड़ें हुई थी जो कि हम छोटे हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ था। मेरे अब्बा जी और बड़े अब्बा जी, मेरे ताया जी चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जहाँ से हमें चला जाना चाहिए, जहाँ हमें कोई रात को हमला हो जाए तो बच्चों के साथ क्या करेंगे। तो फिर आप दिल्ली से लाहौर कब आए? काफ़ी देर के बाद, कितने महीनों के बाद आए। कैफी जी कैंप में जाना पड़ा। तो पर बहुत बहुत मुश्किल वक्त गुजरा होगा पुराने किले में। कोई वहाँ लेटरिन नहीं थी, ओपन में पड़े हुए हैं। फिर बाद में उन्होंने हमें वो दे दिए थे कैंप्स वगैरह, उनके अंदर हम सोते थे, ज़मीन पे सोते थे। नाभा में तो ज़िंदगी बड़ी इससे मुख्तलिफ होती होगी। आसान बड़ी, महाराज के दिए हुए मकान थे जिनमें हम रहते थे, बड़े अच्छे मकान। और सब कुछ मुहैया था वहाँ? सब कुछ मुहैया था। तो बेगम साहिबा, जब आपका ख़ानदान लाहौर आया तो शुरू में तो बहुत मुश्किलात होती हुई होंगी, तो क्या हुआ फिर, आप लोग यहाँ पर कैसे सेटल हुए? असल में मेरी सास जो थी ना, वो हेड ऑफ़ द फैमिली थी एक तरह से, मेरे अब्बा जी की सगी खाला थी। तो उन्होंने कहा मेरी थी तो मैंने दे दियो। आपका निकाह पहले से हुआ हुआ था? हाँ। ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब से, जो शाहिद के मामू थे। अच्छा, तो उस वक्त आपकी कितनी उम्र थी? उस वक्त मेरी उम्र थी लगभग 17 साल की, 17-18 साल थी, क्योंकि मेरा निकाह पहले हो चुका था। अच्छा ठीक है, यू आर अ चाइल्ड ब्राइड। तो थोड़ी सास ने आख्या कि भाई मेरी थी तो मैंने दे दियो, तो तुसी ओथे चले गए। लक्ष्मी मैंशन चले, लक्ष्मी मैंशन चले गए। अच्छा, मामा जी ले गए ना? मामा जी ले गए तुहानू? मेरी अब्बा जी सगी खाला सन। ठीक, उन्होंने जो हुक्म किया उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने हुक्म बजा लेंदे होया, उन्होंने थी उन्होंने दे दी। नाउ शाहिद, लक्ष्मी मैंशन इज़ अ वेरी वेरी फेमस नेम एंड अ वेरी फेमस एड्रेस एंड इट्स वेरी रेजोनेंट विद ऑल ऑफ अस, ऑल पाकिस्तानीज एज इट शुड बी एंड विद पीपल अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। नाउ कुड यू टेल अस हु वर द अदर रेजिडेंट्स ऑफ लक्ष्मी मैंशन एट दैट टाइम, एंड डू टेल अस वेयर लक्ष्मी मैंशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। लक्ष्मी मैंशन जो माल रोड पे दो दो सड़कें निकलती हैं, एक हॉल रोड और एक बीडन रोड, सामने रीगल सिनेमा। हॉल रोड और बीडन रोड के सामने एक सर्कुलर बिल्डिंग है, 36 फ्लैट्स, जिसके बीच में बहुत बड़ा सा गार्डन है और उसके अंदर एक पीपल का दरख्त है, वंडरफुल फ्लैट्स। तो उधर ऐसे ऐसे बंदे रह चुके हुए हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट बिफोर वी केम इन, मणिशंकर अय्यर सामने वाले फ्लैट में रहते थे, और गिरधारी लाल द ज्वेलर जिसकी फ्लैट में हम गए, जीत लाल, और थ्री क्रिश्चियन फैमिलीज, थ्री पारसी फैमिलीज। सो अ रियल माइक्रोकॉज्म ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एब्सोल्युटली। मैंने आपका तारुफ, दूसरा तारुफ जो है आपका, आप खैर एक बहुत मशहूर मुसव्विर हैं, लेकिन आपका एक और भी तो तारुफ है ना, सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो के आप माशाल्लाह दामाद भी हैं, ठीक है, नेफ्यू भी, और उनके आप नेव्यू भी हैं, क्योंकि ये सारा फैमिली एक ही तो फैमिली थी, पुराने कश्मीरी ख़ानदान हैं आप, और कश्मीर से आप लोग पहले नकल मकानी करके, कूच करके पंजाब आए, और फिर वहाँ से आप पाकिस्तान आए, ईस्ट पंजाब से आप लोग पाकिस्तान आए। तो शाहिद, आपके वालिद के मामू थे सादत हसन मंटो, और उस ज़माने में जबकि आप बात करें, क्योंकि आपकी भी पैदाइश मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ ही हुई, साथ ही हुई, यू आर अ मिडनाइट्स चाइल्ड। तो उस वक्त आपके मामू और होने वाले ससुर मच लेटर वाज इन बॉम्बे एट द टाइम, एंड देन ही चोज टू माइग्रेट टू पाकिस्तान अ फ्यू इयर्स लेटर आफ्टर वी हैड अराइव्ड, आफ्टर यू हैड अराइव्ड। सो व्हाट हैपेंड? उन्होंने उनकी कहानी अगर आप पढ़ें, मुरली की धुन, श्याम के साथ जो उनका इंटरेक्शन है, वो फिल्मों के अंदर भी उन्होंने बताया, वो उनको पता चल गया हुआ था कि हिंदूज डोंट वांट इट, शांताराम वगैरह सारे थे कट्टर हिंदू थे, हालांकि उनके जो दोस्त थे अशोक कुमार और भी मुसलमान हैं इधर, बट मंटो भी ने कहा कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान जाऊँगा, सारी फैमिली भी चली गई हुई थी। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी पुल थी कि फैमिली चली गई हुई थी। आप उनको मंटो अब्बा जी कहते थे? मंटो अब्बा जी, हाँ, मंटो अब्बा जी, बिकॉज ही वाज द एल्डेस्ट, तो ही वाज क्वाइट हैप्पी कमिंग वंस ही वाज इन लाहौर, जब उन्होंने देखा ना कि पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं,
एंग्लो इंडियन, उस ज़माने के एंग्लो इंडियन दो किस्म के होते थे, एक तो आई मीन बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह, हमारे सामने वाले फ्लैट में एक फैमिली रहती थी जो हम समझते थे अंग्रेज़ हैं, वो रह गए हुए पीछे, मगर दे वर एंग्लो इंडियंस, और कुछ थे जो लोकल उनके साथ थे, और पारसी फैमिलीज जो थी उनके साथ बड़ी दोस्ती थी। सो हम लोग वी ऑल ग्रो अप इन एन एटमोसफेयर जहाँ वी हैड ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी। आई मीन अभी तक मुझे, मैं आग नहीं बुझा सकता पाँव के साथ, हमारे जो थे पारसी दोस्त वो कहते बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर तुम करो, मैं नहीं, अभी तक दिमाग उस बचपन से है। तो उस माहौल में आप रचे हुए थे। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके वालिद साहब मरहूम हामिद जलाल मंटू के भांजे थे जी। और उनकी बड़ी दोस्ती थी क्योंकि उम्र में इतना फासला नहीं था, और उनके आपके सामने जब वो वहाँ पर आए, बॉम्बे से आए, तो आप कम से कम 7-8 साल के थे जब उनका इंतकाल हुआ। हाँ। तो आप उनको अच्छी तरह से, आप वो याद होंगे आपको, तो उनकी कोई यादें हमें बताएं। यादें क्या होनी, आई वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर गाय एज फार एज मंटू बाजी वॉज कंसर्न्ड। मेरी सारे वक्त लड़ाइयाँ होती थी उनकी बेटी के साथ, एक दूसरे के बालम नोचते, जो आपकी फिर बाद में बीवी बन गई। नहीं, नहीं, बीवी नहीं। अच्छा, उनके साथ उसकी बड़ी बहन, उनकी बड़ी बहन नुजत, बहुत लड़ते थे हम, तो सारा वक्त कहते लहजा जकिया नहीं उतर लहजा, बड़ा तंग लहजा। तो खैर मेरी तो हिस्टोरिकली वो ये हो गया, मंटू, माय फादर हैज रिटन अ वंडरफुल आर्टिकल ऑन मामू मंटू, दैट्स राइट, जिसमें आई हैव बीन एक्सपोज्ड एज अ ट्रेटर। मंटू बाजी की फौतकी से एक हफ्ता पहले उनको, मैं खेल रहा था बाहर, तो बाथरूम हमारे बाहर खुला करते थे, तो उन्होंने ही vomited blood, because a lot of blood, had cirrhosis of the liver, cirrhosis of the liver. So he was cleaning the floor and he looked at me and says, dasi na kisi nu nahi to mere ko koi bura nahi hoga. I of course didn't listen to him and went and told everybody in the house. Fire ambulances aayi aur unko le gaye and he died within a few weeks. But I mean pyar bhi bada karte the, after all मैं उनका नेफ्यू था, आमिर का बेटा, मगर ये था कि आई वाज अ न्यूसेंस एज वेल। यू वर अ न्यूसेंस, नाइस ऑफ यू टू एडमिट दैट शाहिद एट दिस लेट स्टेज इन योर लाइफ। बेगम साहिबा, मैंने इसी घर में कई साल पहले एक इंटरव्यू किया था जो मुझे आज तक नहीं भूलता। अच्छा। वो इंटरव्यू था इकबाल बेगम का। अच्छा। और इकबाल बेगम मंटू साहब की बहन थी, और मैंने उनको यहाँ एक इंटरव्यू किया और मैंने उनसे सारी मंटू साहब की बचपन की यादें दरियाफ्त की, और मुझे एक ख़ास जो उन्होंने एक कहानी सुनाई वो भूलती नहीं। मैंने उनको कहा कि बेगम साहिबा, अगर आप अपने भाई को चंद अल्फाज में डिस्क्राइब कर सकें तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आपा इकबाल। आपा इकबाल जी। तो वो मुझे कहने लगी पंजाबी में कि सादत दिया गाल सी कि सादत न डर सी, बिल्कुल न डर सी, और सारी ज़िंदगी सादत न डर रहा। तो मैंने कहा कैसे, तशरीह कीजिए। कहने लगी जिसले असी निके निके होंदे सां ते असी रहंदे सां लुधियाने दे नेड़े, ते उत्थे सादत ने सवेरे सवेरे गलियां विच नस भजना, निकल पैना, अम्मी उन्होंने पिछों आवाज़ां देनियां किथे चले हैं किथे चले हैं, ते मैनू कहना दे मगर जा पता नहीं की करन चले। तो कहने मैनू आखन लगे कि मैं उन्होंने मगर नस के पिछे भजना के सादत रुक जा। मैंने जिस तरह उन्होंने फिर वो आवाज़ लाई ना अपने पिरा नू, वो भी मेरे कन्ना च गूंजदी है जिवें वो सादत ठहर जा सादत वे सादत ते ना कर सादत किथे चले हैं। तो आखन लगे कि आ जा के सादत हसन मंटू ने, निका जहा सादत हसन मंटू 6-7 साल की उम्र, आ जा के खूह ते चलिया जाना, खूह ते चलिया जाना, ते खूह ते जा के विच लत्तां पा के, बिल्कुल खूह दी सिरी ते बह के विच लत्तां पा के ना, ते उची उची गाना शुरू कर दे, ते लोकां आसे पासे कहना ए विच ए डह पैगा ते की होवेगा, ए डुब जावेगा, इनू खिचो बाहर कढो। ते कह के मैं वावैला करना, लोकां ने इकट्ठिया हो जाना, फिर उन्होंने खिच तरू के बाहर करी दस। कहिंदे सन एक दिन कदी इस तरह बह जाना,
फिर जाके किसी सीरी तो बह के तो अपना बिल्कुल पुठिया होकर तो सिर पिछे करके लटका लेना खूह के विच। सोचो कि खूह के विच सिर लटका लेना, 6-7 साल का बच्चा। तो लोगों ने और अम्मी ने और कहते खानदान ने वावेला करना, लेकिन सादत न डर सी, डर बिल्कुल न डर सन। एंड डिड दैट सॉर्ट ऑफ, उन्होंने तुम्हें कहानी नहीं सुनाई जो उनकी न डर होने की? ये तो 7 साल की ना, 9 साल की उम्र में अमृतसर में जब वो थे तो उस ज़माने में हिंदुओं का बड़ा है ना, वो आग जलाते हैं और उस पर वो चलते हैं। तो जो मदारी था उसने कहा कौन मेरे पीछे चलेगा? ऑफ कोर्स मंटू अब्बा जी उतार अभी शलवार ऊपर करके आग के ऊपर चल पड़े। 9 साल की उम्र, 9 साल की उम्र। एंड नथिंग हैपेंड, पता नहीं कुछ करते होंगे आग कुछ, बट दिस इज सिम्टोमैटिक। वो तो ये फिर ये उनकी शख्सियत थी बचपन से, ये उनकी शख्सियत थी। तो शाहिद, डिड यू सी दैट साइड ऑफ हिम? नो, वी सॉ द बैड साइड जब वक्त ख़त्म हो गया हुआ था। लेकिन उनके ऊपर वो मुसीबतें जो थी ना, वो सारा वक्त आ रही रहती। फाइनेंशियल मुसीबत बहुत थी जी। मेरे वालिद क्योंकि भांजे थे, हाँ भांजे, और काम करते थे, तनख्वाह उनकी आती थी रेगुलरली, इट अ कॉमन सिस्टम, खाना इकट्ठा खाना सब कुछ करना। मगर उनकी 25 रुपए की कहानी बिकती थी, लेटर ऑन उससे भी कम। तो पैसे नहीं होते थे उनके पास, फाइनेंशियल वो भी मुश्किलात थी। फिर उनकी जो सेहत का मामला था, जो उनका लिवर इम्पैक्ट हो चुका था बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स, वो भी मामला था। फिर उसके बाद जो भी वो तसानीफ लिखा करते थे वो भी लोगों को गवारा नहीं थी। तो क्या उन्होंने कभी ये सोचा था कि मैं बम्बई में ही रह जाता तो बेहतर रहता? ये उन्होंने, देखो उन्होंने अपने मुतलिक सब कुछ लिख चुके हुए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मिस तो बहुत करते थे अपने दोस्तों को सबको। जब श्याम आया था एक दफ़ा लाहौर, उसने कहा मंटू यार चल वापस चल, नहीं गए। हालांकि उनको काम मिल जाता कंपनीज में, मगर बात यह है कि मेरी नज़र में यह है कि बिकॉज हिज बेस्ट वर्क वॉज रिटन इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस partition, because of the partition. That was his real muse, you know, the partition was actually his muse. वो कई बहुत गजब की कहानियाँ इंडिया में लिखी हुई हैं, लाइक बू और सड़क के किनारे वगैरह। लेकिन टोबा टेक सिंह, खोल दो, क्या हौलनाक कहानी है। वो सब चीज़ें पार्टीशन के बाद की लिखी हुई हैं और वो पार्टीशन के एक्सपीरियंस के बारे में है। That is what brought out the real artist in him. उनकी of course वो भी है जो बड़े सबसे मज़ेदार। देखो पैसे नहीं होते थे मगर ये अमरीकन समझते थे कि शायद ये उनको उनके लिए लिखेंगे। तो उन्होंने आए थे, मुझे याद है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे और उन्होंने कहा जी हमारे लिए लिखे आप। तो उन्होंने 7 letters to Uncle Sam लिखे, जो मैं आई वुड रिकमेंड एनी बडी रीड दम, कि वो अभी तक 70 years later they are still as valid today. Begum sahiba, Shahid sahab ne to apni yaad suna di hame Mantu sahab ke bare mein. Aapko bhi yaad honge, aap bhi wahi rehti thi. Ji, kya yaad hai aapko? Ek kursi thi jo ke darwaze ke saath thi, usme baithe hote the, ghutne upar kiye hote the, aage kuch rakha hota tha. Us waqt likh rahe ho, us waqt ghutnon pe rakh ke koi cheez to likh rahe ho. That's the way he used to write his great works. और उनकी तहरीर अगर आप देखो कोई मिस्टेक्स नहीं, मोती प्रयोग शुरू से खत्म, कोई एडिटिंग मार्क्स नहीं, कोई कुछ नहीं। सो इट वॉज लाइक अ पिक्चर दैट वॉज इन हिज ब्रेन एंड ही सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेटेड इट एंड रोट इट इन दैट वे। कहते हैं कि इंस्पिरेशन इसी तरह आती होती है, एज अ सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट यू नो इट्स अ सॉर्ट ऑफ वजदाना चीज़ होती है ना, कि वजद तारी होता है एंड देन यू राइट until you're done with your work. शाहिद, आपके वालिद हामिद जलाल साहब के बारे में मशहूर है कि 1955 में वो एक क्रिकेट कॉमेंट्री कर रहे थे और उनके साथ वो तालियार खान साहब थे, बड़े मशहूर कॉमेंटेटर, और क्रिकेट मैच हो रहा था और उनको अचानक ख़बर मिली कि उनके मामू मंटू साहब का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने वहीं पर लिखा फिलबदी कि The umpire finally calls Sadat Hasan Manto out. Is that correct? What was their relationship like? It was remarkable. बिल्कुल दोस्ती थी बिल्कुल।
और यू नो वो माहौल, अगर मैं आपको कभी अगर वक्त हो तो आप, अजीब ही माहौल था, इतना कल्चरल माहौल। ऊपर मेरे वालिद जो क्रिकेट से बहुत इन्वॉल्व थे, सारी टीम उधर आया करती थी, कारदार साहब, इम्तियाज़, फजल महमूद, हनीफ तो लेटर ऑन, बट दे यूज़ टू ऑल बी देयर। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं नीचे था। जहाँ कौन कौन आता था, रोशन आरा बेगम, अशफाक अहमद, मैडम नूर जहान, इस किस्म के लोग, खुर्शीद अनवर वगैरह, सब लोग इस किस्म के लोग आया करते थे, तो मैं हमेशा उनसे फैसिनेटेड होगा। तो मंटो भाजी अशफाक अहमद के बड़े फ़ैन थे एक ज़माने में, एक जिंदे नहीं हैं उनको देखने के लिए, जो उन्होंने फिर इवेंचुअली किया डिक्टेटर्स के साथ मिलके। तो अशफाक अहमद तो बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, लिटरेचर ऑफ द स्टेट बन चुके थे ना, स्टेट इंटेलेक्चुअल बन चुके थे। जब उनकी जो आए थे ना गडरिया, तो कहते हैं इस मुंडे से बड़ी गादर, तो ही वाज अ यंग मैन, तो कहते हैं कि इफ देयर इज अ गुड राइटर इट्स अशफाक अहमद। शाहिद, आप अपने शुरू में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हुए, यू वर्कड फॉर द फाइनेस्ट कंपनीज इन दिस कंट्री, एंड देन वन डे यू डिसाइडेड कि बहुत हो गया, आपने वो सब कुछ बंद किया, किताब छापना, और आपने आर्ट शुरू कर दी। हाँ, तो इसीलिए तो जुगनू मैंने अकाउंटेंसी की, क्यों, मंटो भाजी की वजह से। ख़ानदान कहता था कि इस ख़ानदान में कोई आर्टिस्ट राइटर नहीं आएगा, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो चुका, काफ़ी हो गया, कोई नहीं। मेरे चचा भी तो फिल्मों में थे, मसूद परवेज़ जी, वो सारी फिल्म उन्होंने बनाई, मंटो साहब के साथ बनाई थी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं बनेगा, तो मैं फिर अकाउंटेंट बन गया पैसे कमाने के लिए। और फिर बाद में फिर मुझे ख्याल आया कि भाई ये ऐसे तो नहीं चलेगा, दैट वाज नॉट योर रियल मेटियर। यस, तो फिर आपने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो थी उसको ठप किया, और फिर आप फुल टाइम आर्टिस्ट बन गए, और नो रिग्रेट्स ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली नॉट, because you are a fine artist and my I'm very own, happy man, you're a very happy man, ye sari baat hai, jo accountancy jo hoti hai wo to soul killing, shukr hai mujhe ye mil gaya, nahi to main filmon mein chala jata, aap filmon mein jate, wahan bhi aap kamyab hote, wahan bhi aap kamyab, I doubt it, lekin aapki jo tasaveer hai na shahid, wo mujhe mehsoos hota hai when I look at them, mainu lagda hai begum sahiba jis lena di main tasveeran vekhni ha, aur assi apne viewers nu vikhavange hun inna di tasveeran के लाहौर एक जमाने दे विच बड़ी मशहूर कारपेट इंडस्ट्री का महवर हुंदा सी, इत्थे बड़े बड़े कालीन बनते सन, अच्छा, और शिकारगाहां बनदियां सन, और फुलां दे, और इस किस्म दे जिहड़े दुनिया के सारे अजायब घरां विच लाहौर के बड़े मशहूर कालीन ने, खास तौर पर अकबर बादशाह के जमाने के, जहांगीर बादशाह के जमाने के, नूर जहां के अहद के, और शाहजहां के अहद के, लाहौर के विच बड़ी वड्डी कारपेट इंडस्ट्री होंदी सी। तो व्हेन आई लुक एट योर पेंटिंग्स शाहिद, they remind me of the carpets of Lahore. To main jab isse pehle jo exhibition hui thi, it's called the carpets of Lahore, really flower carpets of upar, the flower carpets of Lahore, 10 paintings reh gayi hui hain 50 mein se, to wo inspiration to wahi thi, aur kyunki ye sare jo hamare Pakistan Horticultural Society wale, sirf Pakistan mein hota hai, पूरे पूरे कारपेट्स पैटर्न्स बनाते हैं फूलों के और उगे हुए फूलों के यूरोप में तो काट कूट के लेके आते हैं ना, तो उसको बनाते हैं, इधर उगे हुए फूलों की, कनाल के ऊपर भी होती हैं, जलानी पार्क में भी होते हैं, लॉरेंस गार्डन्स में भी होते हैं, तो उनको मैंने पेंट किया था ओवर थ्री ईयर पीरियड। आपकी बहन इन द अर्ली 80s डॉक्टर आयशा जलाल was at Cambridge doing her dissertation on the transfer of power, aur ye jo sara taqseem ka silsila tha ye Aisha was working at that time, and I became friends with her because main undergraduate thi, wo graduate student thi aur wo PhD kar rahi thi, mujhe us waqt bhi yaad hai, begum sahiba aapko hairat hogi sunke ki Aisha was passionate about her work, yani ki wo itni mehav thi apne kaam mein ki usko kisi aur cheez pe fursat nahi hua karti thi, हमने कहना आप चलो बाहर चलें, चलो कहीं जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, चलो कहीं वॉक पे चलते हैं अलॉन्ग द बैक्स, जहाँ रिवर कैम की सैर करते हैं, बट नॉट आयशी, शी वॉज ऑलवेज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन यू नो फिनिशिंग द वर्क दैट शी हैड स्टार्टेड।
शाहिद डिटरमिंड वेरी डिटरमिंड वेरी वेरी फोकस्ड उसको मेरे पास छोड़ गए थे मदर नंबर टू ये अच्छा मेरे पास नहीं है वो जितनी देर ज़किया को वहाँ अमेरिका में रहना था अच्छा आपके पास रहती थी जी क्योंकि ज़किया मेरी नंद भी है मैं उसकी भाभी भी हूँ तो हमारी आपस में आशी के साथ तो बहुत ज़्यादा वो है बड़ा प्यार है बिकॉज आई केप्ट हर फॉर फ्यू मंथ्स शाहिद आयशा ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर डॉक्यूमेंट्स जो सारी पढ़ी उसके बाद वो जिस तरह की कोई रेवलेशन सी नहीं होती वो हमें बताया करती थी जब हम दोस्त इकट्ठे बैठा करते थे कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि जिना साहब पार्टीशन के बारे में बहुत देर बाद कायल हुए और वो हमें बताती थी कि जो मैं तसानीफ़ देख रही हूँ जो मैं एविडेंस देख रही हूँ उससे मुझे लगता है कि जिना साहब को मालूम था कि कितना खून खराबा होगा अगर तकसीम हुई जिना साहब चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जो कि एक पुरानी ब्रिटिश एम्पायर का जो हिस्सा था बकौल आयशा के कि एक लूज फेडरेशन कन्फेडरेशन हो और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस वो सब यू नो फुली ऑटोनोमस स्टेट्स हों जहाँ पर सारे कायदे कवानीन स्टेट्स के अपने हों सिर्फ चंद चीज़ें हों जो सेंटर के पास हों जिस तरह डिफेंस होता है ठीक है जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि वो चीज़ें सिर्फ डिफेंस के पास हों बाकी सारा बरे सगीर जो है वो एक लूज फेडरेशन में हो और जब क्रिप्स मिशन पाकिस्तान या हिंदुस्तान पाकिस्तान आई एंड आई एम टॉकिंग एज लेट एज 1946 तो तब तक जिना साहब जो थे वो क्रिप्स मिशन के भी कायल रहे तो क्या आप समझते हैं कि इसमें हकीकत है आई एग्री बिल्कुल दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हिज ड्रीम वाज बट रियलिटी और थी इसीलिए फिर ही हैड टू गिव इन एंड पाकिस्तान और इंडिया बना क्योंकि उस वक्त तो मैं भी इतना नहीं कायल था कि ये क्यों ऐसे हुआ है ये तो हमने बातें कर ली आज़ादी के हवाले से और सब चीज़ों के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जुड़ी हुई एक सकाफत है शाहिद बेगम साहिबा हमारे प्रोग्राम का एक अहम जुज़ होता है कुछ खाना पीना अच्छा और हम अपने व्यूअर्स को हमेशा कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर देते हैं अच्छा और जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनका कोई ना कोई ताल्लुक उस खाने के साथ ज़रूर होता है अच्छा आप सारे फेमस फूडीज़ ऑफ लाहौर आपकी रेसिपीज़ आपके यहाँ खाना कितनी बार खाया है लजीज होता है तो शायद आज आपने हमें ये सैंडविचेस पेश किए अंग्रेज़ों वाले बहुत खाते ड्यूरिंग दिस COVID-19 एटलीस्ट दो या तीन दिन सैंडविचेस हम लोग खाते तंग आ गए हैं पाकिस्तानी खाना खा के तो फिर हम इसीलिए हमने कहा कि तीन चार दिन तो सिर्फ सैंडविचेस चलेंगे रोस्ट लैम ईद से आए हुए ना वो क्या होती हैं राने तो रोस्ट लैम हमने कहा कि बनाए बीफ तो मिल नहीं रहा आजकल तो रोस्ट लैम के बनाए तो कैसे फिर आपने लैम कैसे रोस्ट यू इसको करते हैं मैरिनेट 24 आवर्स इन विनेगर सॉल्ट एंड गार्लिक और फिर उसको पकाते हैं एक दिन पहले फिर उसको ठंडा करते हैं ताकि वो जुड़ जाए उसे काट सकें ठीक और बिल्कुल फ्रेश ब्रेड ले लिए और मक्खन जो है उसके अंदर मस्टर्ड काली मिर्चे नमक डाल के उसको लगा के दैट मेक्स इट रियली इंटरेस्टिंग हाँ बड़ा 24 घंटे आपने इस लैम को मैरिनेट किया सिरका लहसुन नमक काली मिर्च लगा के ऑयल नहीं उसे पकाते वक्त थोड़ा सा उसको भूनते हैं और फिर उसको उबाल लेते हैं और फिर आप उसको एक देगची में भूनते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसको जब पक जाए तो उसको ठंडा करते हैं ताकि वो सारा सेट हो जाए ताकि उसको काटना आसान हो पतले पतले नहीं जब आप उसको देगची में भून लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसको उबालते हैं दो तीन घंटे पानी डाल के दो तीन घंटे ताकि गल जाए और उसका जब तक सारा पानी सूख ना जाए और गल ना जाए तब तक आप उसको पकाते रहते हैं और जब उसके बाद वो सारा पानी जज्ब हो जाए एंड जस्ट द मीट इज लेफ्ट देन यू लीव द मीट टू कूल फॉर एटलीस्ट अ डे फॉर अ डे इन द फ्रिज एंड देन यू मेक सैंडविचेस आउट ऑफ इट व्हाट वंडरफुल सैंडविचेस आई विश यू कुड टेस्ट देम लेकिन जिन्होंने बनाए हैं
उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, गुफ्तगू भी इतनी बेहतरीन की, सैंडविचेस भी बेहतरीन खिला दिए, एंड यू हैव गिवन अस अ लॉट टू थिंक अबाउट। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम, मोस्ट वेलकम।